बिजली का संकट है और गांव में 4 घंटे 2 घंटे कभी कभी पूरे पूरे दिन रात बिजली नहीं आ रही, तो ये समस्या है। अभी तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन में पानी बरस गया है, नहीं सूखा पड़ा हुआ था, तो ऐसे में अगर बिजली नहीं आती है तो बहुत ही दिक्कत होती है किसान। तो इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी है, सभी जगह पर कहीं पर भी जाइए बिना रेस्पेक्ट दिए बिना सुविधा सुनो के लिए कोई काम होते ही, तो ये परेशानियां हैं और सरकार को कहती तो है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, हर जगह भ्रष्टाचार। आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था अधिकारी सुनते नहीं, तो क्या लग रहा अभी भी अधिकारी निरंकुश हैं? देखिए सरकार का इकबाल नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अधिकारी भी नहीं, जनता की बातें सुनना चाहिए तब उन्हें। अच्छा, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, क्राइम रुक नहीं रहा है, जो जीरो टॉलरेंस की बात चल रही थी, तो जीरो टॉलरेंस तो तब हो सकता है जब सबको न्याय। अब देखिए अभी अयोध्या में घटना हुई है तो बुलडोजर पहले, ये सही है कि हमने तो निंदा की थी, उस घटना की निंदा की थी, निंदा के साथ साथ जो भी अपराधी है उसे फंसाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर बुलडोजर न चले। अब अगर बुलडोजर चलाना है अब चलाओ वहाँ सहारनपुर में, वहाँ भी तो हो गया है रेप, वहाँ पर भी तो रेप हुआ है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, अब वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। तो अगर इस तरीके से अगर ये सरकार करेगी तो फिर ये घटनाएँ रुकेंगी नहीं, अब तो क्राइम बढ़ेगी उसी की वजह से, और सरकार का इकबाल है, सब झूठी बातें हो रही हैं, जो भी आश्वासन देते हैं सब झूठ। एक नया मुद्दा सरकार अब फिर लेके आई है, विधेयक पास कर रहे हैं बकबोर्ड की संपत्तियों को लेके, प्रस्तावों को 40 विधेयकों को पास भी किया उन्होंने प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में, क्या देख रहे हैं आप, कैसी राजनीति देख रहे हैं? अब देखिए ये सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, लेकिन ये सरकार चुन चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय और पक्षपात कर, ये नहीं करना चाहिए।